back to my channel. I hope you all are doing amazing. So for today's vlog, I will share how I get my life together. It has been long time since I am planning to sort my things, sort everything out. घर तो बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है, पूरा सामान इधर उधर हो रखा है क्योंकि अभी घर में पेंट का काम शुरू हो रखा है, तो इसके बीच कुछ भी शूट करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रखा है, इसलिए वीडियोस आने में इतना डिले हो रहा है एंड मतलब पूरा ही बिगड़ गया है मेरा टाइमिंग शेड्यूल सब कुछ ही वीडियोज़ अपलोड करने का. सो टुडेज़ व्लॉग इज़ गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव डे इन माई लाइफ, क्योंकि होता क्या है कि रात में मैं पूरा टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, बट सुबह उठ के आई वेक अप वेरी लेट, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद मैं नहीं नहाती एंड पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है एंड मुझे फिल्म करने का मन नहीं करता है. सो आई फाइनली थॉट कि मुझे अपने ट्रैक पे आना है एंड आई नीड टू जस्ट प्लान एवरीथिंग आउट इन अ सॉर्टेड वे, ताकि मैं सुबह भी मोटिवेटेड रहूँ फिल्म करने के लिए एंड अच्छे से फ्रेशली मैं अपना डे स्टार्ट करूँ. तो इसके लिए आई थॉट ऑफ शोइंग यू गाइज कि मैं किस तरह सब कुछ करती हूँ. सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट आजकल मैं बहुत हेल्दी कर रही हूँ, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर मी एंड दैट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन माई सॉर्टिंग और टुगेदर लाइफ पता नहीं. सो ब्रेकफास्ट मैंने कर चुका है, मॉर्निंग रूटीन भी मेरा हो गया है. दिस इज़ वॉट आई डू एवरी डे एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्ट माई डे जनरली, चाहे टाइमिंग कुछ भी हो ये फिक्स्ड रहता है हर दिन. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड टेक बाथ एंड उसके बाद वी विल स्टार्ट फिल्मिंग. So guys, I am all done taking shower and now I am going to share my skincare routine with you guys, because recently I purchased two new products and एक quick review मुझे देना है, दिखाना है कि कैसे sit करता है मेरी skin पे, first impression देना है because I have never tried that product and आज मैं first time ये product try करने वाली हूँ. तो ये दो product मैंने खरीदा है अभी recently, जिस तरह बैठ के बोल रही हूँ don't think that it's sponsored, कहीं भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद खरीदा ये दो प्रोडक्ट्स. सो दिस इज़ अ सीरम फ्रॉम गुड वाइव्स, द विटामिन सी सीरम एंड दिस इज़ द आई क्रीम फ्रॉम बायोटिक बायो एलमंड. तो ये दो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है एंड ये मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया यूज़ करना, बट ये मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर हाउ इट वर्क्स ऑन माई स्किन एंड मैं अभी 19 की हूँ एंड मैंने अभी स्टार्ट किया है सीरम यूज़ करना. इफ़ यू आर बिलो 18 डोंट यूज़ दैट, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि सीरम आप टीनेज पे ना यूज़ करो तो अच्छा है, तो प्लीज़ डोंट यूज़ दैट. सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई ऑल टाइम फेवरेट डाबर रोज़ वाटर, थोड़ा सा लेकिन मैं हर टाइम यही यूज़ करती हूँ एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. आफ्टर टोनर द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी द सीरम, सो आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि मैंने कभी भी सीरम ट्राई नहीं किया है. आज फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि कैसे वर्क करेगा, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट एटलीस्ट फॉर 1 to 2 weeks एंड उसके बाद मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको दे पाऊँगी कि कैसे वर्क कर रही है एंड इसका मैं एक शॉर्ट रिव्यू आपको इंस्टा में दे दूँगी. सो मेक श्योर यू गो एंड फॉलो मी देयर ऑल्सो, बिकॉज आई एम गोइंग टू अपडेट कि कैसे वर्क कर रहा है मेरी स्किन पे. एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आई क्रीम फ्रॉम बायोटिक, दिस वर्क्स रियली वंडर टू माई स्किन. एकदम थोड़ा सा लेना है एंड आप देख सकते हो इसमें कितना सारा प्रोडक्ट है एंड इतना सा आपको चाहिए बस, क्योंकि बहुत अच्छे से ग्लाइड करता है अपने स्किन पे एंड थोड़ा सा अप्लाई करने से ही हो जाता है. एंड आई क्रीम हमेशा रिंग फिंगर में लेके अप्लाई करो एंड थोड़ा सा ऐसे अप्लाई करके उसे मसाज करो अपने आई एरिया में. एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू अप्लाई एलोवेरा जेल. इसके बाद एक्चुअली आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ता है, बट आई डोंट लाइक मॉइस्चराइजर ऑन माई स्किन, आई डोंट नो वाई, सो आई अप्लाई एलोवेरा जेल. गिव इट 2 to 3 minutes टू सेट ऑन योर स्किन एंड उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करो. ये मेरा सेकेंड ट्यूब है एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. ये मामाअर्थ का सनस्क्रीन है एंड दिस इज़ माई फेवरेट वन, सो आई परचेज द न्यू वन. And this completes my skincare routine. This is 5-step morning skincare routine that I follow every day. And अब से तो मेरा ये भी favorite होने वाला है, if ये अच्छे से work किया तो. So yeah, and now I'm going to fix my nails क्योंकि मेरे nails का हाल बहुत ख़राब हो गया. So let's go and do that. Okay, so it's filming time right now and मैं अपने cupboard के पास बैठी हूँ because I need to select the outfit for this look and I also washed my hair.
क्योंकि आई फेल कि मुझे अपना बाल धो लेना चाहिए, बिकॉज वेन एवर आई फिल्म एनी मेकअप वीडियो आई रियली वॉन्ट कि मेरा हेयर थोड़ा परफेक्ट लगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है उस बात से. सो दिस आर द इयरिंग्स दैट आई एम गोइंग टू वेयर फॉर दिस वीडियो एंड दिस इज सो प्रिटी. एंड इसके साथ मुझे अपना कुर्ती सिलेक्ट करना है, जो कि थोड़ा टफ हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि इस टाइप का मतलब इस कलरफुल पैटर्न में मेरे पास कोई ऐसा कुर्ती है नहीं, बट लेट सी एंड फाइंड एनी वन पीस. सो दिस इज़ द कुर्ती एंड दिस इज़ द इयरिंग. ये काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है, बिकॉज कुर्ती में काफ़ी अलग अलग टाइप का पैटर्न्स बना हुआ है अलग अलग कलर से, एंड इयरिंग में भी काफ़ी सारा कलर्स है, तो ये थोड़ा बहुत जा रहा है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स माई नेल्स, बिकॉज मेरे नेल्स का हालत बहुत ख़राब है, तो लेट्स डू दैट एंड उसके बाद विल स्टार्ट फिल्मिंग. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस लुक, बिकॉज ये लुक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लुक होगा जो सारे के सारे लोग कर पाएंगे, मतलब या इफ़ यू आर 22, इफ़ यू आर 25, इफ़ यू आर 26, इफ़ यू आर 18, इफ़ यू आर 16, सब लोग इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं. सो आई एम लाइक गोइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट ओनली. एंड मेरे दिमाग में पहले से था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी, कोई ऐसा लुक क्रिएट करूँगी जो सब कर पाए, एंड उसमें मैं कंसीलर या फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, सो लेट्स गो एंड फिल्म दैट. ए फ्यू मिनट्स लेटर, मेरा किस्मत ही ख़राब है, इट जस्ट ब्रोक एंड पता नहीं ये स्क्रू अंदर जा चुका है एंड इट्स नॉट वर्किंग. यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा एंड यहाँ से भी वर्क नहीं कर रहा है. या माई ट्राईपॉड इज़ नॉट वर्किंग एंड मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सारा वीडियोज़ फिल्म करूँगी अब. या एक स्पेयर मैंने देखा है अभी अमेजोन पे एंड आई होप सो ये वर्क कर जाए इस ट्राईपॉड में. लेट्स सी क्या होता है. अभी के लिए तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे फिल्म करूँगी. यार ये मेरे साथ क्यों होता है हमेशा, पता नहीं अब मैं अपना नेल वाला दिखा पाऊंगी नहीं दिखाऊंगी. आई एम रियली सॉरी इफ इसके बाद मैं नहीं कर पाऊँ कुछ, तो देखते हैं छोटा वाला ट्राईपॉड से ट्राई करते हैं. मेरा हाथ दुख रहा है अब. Guys, I just uploaded this new video on my channel, which is recreating that boho girl's makeup look after little long. क्योंकि so this is the video and yeah, please आप like, share, subscribe जरूर करना. if आपने अभी तक ये video नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, क्योंकि ये vlog बाद में आएगा, ये video जा चुका है अभी तक. एंड इनको कौन नहीं पसंद करता, इनके खातिर मेरा video like, share, subscribe कर देना please. एंड ये वीडियो भी जरूर देखना. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ आर रूम राइट नाउ, पूरा मेस्ड अप है. वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस रूम स्पेशली. ये मेन वॉल है, यहाँ पे टेक्सचर वॉल होगा, अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मतलब हाफ का हाफ भी नहीं हुआ है. एंड दिस इज़ दिस वॉल एंड यहाँ पे कवर्ड था जिसे ढक दिया गया है, एंड ऊपर का सीलिंग थोड़ा सा हो चुका है. And this is the paint. We are really excited for this room specially. And I'm also planning to do a room transformation. क्योंकि पहले हमारा पूरा घर ही बिल्कुल different था, पूरा white था, 10 साल से paint नहीं हुआ था. So इस बार finally paint हो रहा है and we are really excited. Room transformation please अभी expect मत करना, 1, 2, 3, 4, 5 month तक please expect मत करना, क्योंकि काफ़ी time लग जाएगा पूरा room set करने में. एंड उसके बीच और एक कुछ फंक्शन हो सकता है, सो अभी तो बिल्कुल प्लान नहीं है ये. आई हैव स्टार्टेड फिल्मिंग थोड़ा सा लाइक पहले का पार्ट्स एंड अभी का, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए. एंड उसके बाद जब मेन पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका तो मैं पूरे अच्छे से फिल्म करूँगी, तो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. 2 hours later. सो राइट नाउ आई एम इन माई टेरेस एंड टेरेस का भी इतना बुरा हाल है कि मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बट आई नीड टू फिल्म अ स्मॉल एस्थेटिक ब्लॉग काइंड ऑफ अ थिंग. वो मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आएगा, तो आपको मिल जाएगा वो देखने के लिए, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो होगा उसके ऊपर. बट द वेदर इज़ ऑल्सो नॉट गुड, थोड़ा ग्लूमी हो रखा है, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोइंग टू फिल्म टूडे और नॉट, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत अच्छा सा सनलाइट चाहिए, जो कि आज बिल्कुल भी नहीं है. पूरा ग्लूमी हो रखा है, थोड़ा थोड़ा धूप है आज. एंड छत का मैं आपको हाल दिखाती हूँ अभी. कैन यू जस्ट सी द कंडीशन ऑफ माई टेरेस राइट नाउ. यहाँ पे उनका ये है, सारा सामान है, एंड इधर ये सब सारा सामान रखा हुआ है. बट देखती हूँ मैं, इफ अच्छा आया क्लिप्स तो मैं ज़रूर अभी फिल्म करूँगी, इफ नहीं तो पता नहीं.
So guys, I'm all done with the shoot and also I changed and now I'm going to plan the next day and also the next month because August is going to end. इतना जल्दी सारा मंथ खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता है. एंड जो भी मेरा टू डू लिस्ट था सुबह का, जो भी मुझे करने का था, सारा कंप्लीट हो चुका है. अभी मुझे बस एडिट करना है जो कि आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू लाइक इंक्लूड इन द व्लॉग. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर. आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड I will see you on my next video. Until then, take care. Bye-bye.